नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं उताब हुसैन। सुबह के 8 बज चुके हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की एक नई रिपोर्ट आई है जिसने शेयर बाजार का नियमन करने वाली संस्था सेबी और देश के जाने माने उद्योग समूह अदाणी ग्रुप पर निशाना साधने की कोशिश की है। सेबी और अदाणी ग्रुप दोनों ने ही हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और इसे दुर्भावनापूर्ण और ध्यान भटकाने की साजिश बताया है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद सेबी ने निवेशकों को सलाह दी है और सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बीच निवेशक शांत रहें, प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्यों की जांच पड़ताल करने का सुझाव भी सेबी ने यहां पर दिया है और कहा है कि निवेशकों को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के डिस्क्लेमर पर भी ध्यान देना चाहिए। डिस्क्लेमर में हिंडनबर्ग रिसर्च के पास रिपोर्ट में शामिल सिक्योरिटीज में शॉर्ट पोजिशन हो सकती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इस बार सेबी प्रमुख माधवी पुरी भुज पर आरोप लगाए हैं जिसमें कहा गया है कि उनकी अदाणी ग्रुप की विदेश में मौजूद कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो हितों के टकराव का मामला बनता है। सेबी की चीफ माधवी पुरी भुज और उनके पति धवल भुज ने इन आरोपों का जवाब दिया है और इनको नकारा है। हिंडनबर्ग के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है। भुज दंपति ने एक बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च सेबी के नोटिस का जवाब देने के बजाय चरित्र हनन की कोशिश कर रहा है। भुज दंपति ने कहा कि उन्हें अपना कोई भी वित्तीय दस्तावेज पेश करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें वो दस्तावेज भी शामिल है जो रिपोर्ट में जिक्र की गई अवधि के हैं। इस वक्त वो सेबी से नहीं जुड़े थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर एक विस्तृत बयान भी इसको लेकर जारी करेंगे। उधर अदाणी ग्रुप ने भी एक बयान जारी कर कहा कि पहले से तय नतीजों तक पहुंचने के लिए ये रिपोर्ट पहले से मौजूद सार्वजनिक जानकारी से चुनिंदा टुकड़े उठाकर बनाई गई है। अदाणी ग्रुप ने अपने बयान में कहा कि हम दोहराना चाहते हैं कि विदेशों में हमारा निवेश पूरी तरह पारदर्शी है और सारी जरूरी जानकारियां बराबर तमाम कागजात में सार्वजनिक की जाती हैं। इस शरारत भरी रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के नाम हैं उनके साथ अदाणी ग्रुप का कोई कारोबारी रिश्ता नहीं है। ये रिपोर्ट हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ग्रुप पूरी पारदर्शिता का पालन करता है और जरूरी नियमों का पालन करता है। ग्रुप ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजार नियमों का उल्लंघन करने वाले बदनाम शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट ध्यान भटकाने की एक हताशा भरी कोशिश है। जाहिर है हिंडनबर्ग को भारतीय कानूनों की कोई कद्र नहीं है। तो यहाँ पर जो हिंडनबर्ग की तरफ से एक बार फिर से आरोप लगाने की कोशिश की गई है उस पर ये प्रतिक्रियाएं आपने देखी हैं। यहाँ पर माधवी पुरी भुज ने भी यहाँ पर साफ किया है, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई और जो आरोप लगाए गए थे उनको नकारा है उन्होंने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सवाल जो है वो उठाया और इसकी जाँच के लिए JPC के गठन की मांग उनकी तरफ से की गई है। राहुल के आरोपों पर BJP नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट लिखकर हमला बोला है। वो ये पोस्ट इस बात की पुष्टि करती है कि बालक बुद्धि राहुल गांधी दुष्ट हो गए हैं, ये उनकी तरफ से इसमें कहा गया है। आगे वो लिखते हैं कि विपक्ष के नेता अब खुलेआम भारतीय शेयर बाजारों की वास्तविकता पर संदेह पैदा कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास को कम करने की ये कोशिश राहुल गांधी के असली इरादे को उजागर करती है जो भारत के विनाश के अलावा और कुछ नहीं है। दरअसल अमित मालवीय की प्रतिक्रिया राहुल गांधी के एक वीडियो ट्वीट के बाद आई है। अपने वीडियो पोस्ट में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद इस मामले की जांच के लिए JPC बनाने की मांग की है। राहुल ने कहा है कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले सेबी अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोप गंभीर सवाल उठाते हैं। साथ ही राहुल ने कहा कि अगर निवेशकों की गाड़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। राहुल गांधी के हमलों का जवाब देने के साथ ही अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में हिंडनबर्ग को लेकर कुछ और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि ये सब तब हो रहा है जब हिंडनबर्ग द्वारा अदाणी के बारे में किया गया तथाकथित पर्दाफाश बेकार साबित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि मूल्य हेरफेर के आरोपों के संबंध में कोई नियामक
विफलता नहीं थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2024 को कहा था कि सेबी की ओर से स्वेच्छा से या जानबूझकर कोई उल्लंघन नहीं किया गया था। अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी है कि अल्ला चिंग और उनके पति मार्क किंडन की ने हिंडनबर्ग को बाजारों में हेरफेर करने और लाखों का मुनाफा कमाने के लिए काम पर रखा था। चीनी रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई उनकी योजना ने जानबूझकर एक ऐसे भारतीय कॉरपोरेट दिग्गज को कमजोर किया जिसने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उपक्रमों में चीनी फर्मों को पीछे छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये कार्रवाइयां कांग्रेस पार्टी के सीपीसी के साथ गुप्त एमओयू से मेल खाती हैं।